दर्शक बंधु बॉटम मशरूम करिया पूर्वरु आमको गोटे कंपोस्ट बनवाप पड़े से कंपोस्ट केमी बना जाए से कंपोस्ट से कौन कौन जिनस मिसी थाए से सब बाबद बहुत गुड़े प्रश्न निश्चित भाव में आपण मन में थोड़ी केमी प्रोसेसिंग कराए प्रोसेसिंग करी आमर जो सेड थाए से ना पर्यंत तार कौन सब प्रोसेस रही सब बाबद आज भिडटे आम जानवु तेज दर्शक बंधु बॉटम मशरूम पर जो कंपोस्ट सी कमी प्रस्तुत कराए से बाबद अधिक बरणी पर भाई आम सहित अच्छा आज्ञा नमस्कार आपको आम इ फार्मिंग ओडिशा यूट्यूब चैनल को पुणि थे स्वागत करुँ परिचय टी आम दर्शक मानक दिखाँ मो ना हूँ अघोर कुमार जेना बाय प्रोफेशन एडवोकेट। दर्शक बंधु आप भाई को पूर्व भिडे देखी थे जब पूर्व भिडियो एपर्त देखी ना तो देखो ओवरअल गोटे आईडिया आज आपको बॉटम मशरूम फार्म बाबद भाई यठिकार लोकेशन टी दर्शक मैं कहुत ये आम केन्दुर डिस्ट्रिक्ट आनंदपुर सब डिजन शालापड़ा म्युनिसिपैलिटी भितर जाउ छ। अच्छा तबे आज होउची आमे जानिबा जे जो कंपोस्ट आमे बनाउचु बटर मशरूम पई जो कंपोस्ट बनाउचु समस्त देखि दिबे वीडियो रे वीडियो क्लिप मानकरे छोट छोट पैकेट रे छतु फ्रुटिंग आसी छ। अच्छा एई जागा प्रकृत रे कंपोस्ट तयार करा जाय तो एठी केमिति करा जाय बा ता पई रॉ मटेरियल कोन कोन दरकार से बाबद टिक कोंदु रॉ मटेरियल अमरो चार पांचटा रॉ मटेरियल होउची तास तो मेन हला अमरो सबुठ बड़ रॉ मटेरियल जोटा कि अधिक क्वांटिटी रे यूज होता गहम नड़ा ता सहित आम धान नड़ा भी मिक्सिंग करू कि बादे आम चिकेन मेन्योर जोटा पोल्ट्री फार्म रु आम ये करें नाइट्रोजन कंटेंट थाए बहुत अधिक आमको नाइट्रोजन दरकार गहम नड़ा को पचेवाई से चिकेन मेन्योरटा सेकेंड हाएस्ट क्वांटिटी लगे ता बादे जिप्सम चोकोड़ ये सब जिन लगे। अच्छा चोकोड़ मैंने जोटा गहम चुपा हाँ जोटा चोकोड़ गाई आम जो खाँची हाँ तेज दर्शक बंधु मुझे कही रखापी चाहिए भाई पूर्व भिडियो में कही जदि आप गहम चाष अच्छी अधिक क्वांटिटी चाष अच्छी तेल आप गहम जो नड़ा आसूम भाई को सेल करें भाई आपंठ कि तेज भाई जदि आम देखा कंपोस्ट आप एका थर के गोटे बंकर मान टन रना कंपोस्ट आम 30-35 टन बनाऊ गोटे बैच पे जोटा कि नड़ा के खर्च मान के टन रोच सब नड़ा आम 15 टन अप्रोक्सीमेटली नड़ा नौ आउ चिकेन मेन्यूटा तर 80% निया जाए ता सहित अलग जिप्सम गोटे टन दे टन एमती जाए आउ चोकोड़ रहे कि 500-700 किलो 800 किलो आज पर क्वांटिटी सब मिसिकी अप्रोक्सीमेटली जो फाइनाल प्रडक्टा बाहर कंपोस्ट बनी सारिकी से 30-35 टन भितर थाए। अच्छा तबे तार क्वांटिटी मध्ये रहूची कोथरे परसेंटेज रहूची केते परसेंट आमी परसेंटेज रहूची। अच्छा तबे प्रथम काम होची आमे जेतिकि जिंस आनीथिबा आमे ताकु गोडे जगह मिक्स करिबा हां आगे वाटरिंग करिके आमे 3-4 दिन लागे आमर जेहेतु 15 टन नडा से बहुत क्वांटिटी रो ह्यूज क्वांटिटी रो तो कंटीन्यूअस 3-4 दिन ताकु वाटरिंग करा जाय ताकु पल्टी करेकि वाटरिंग करा जाय सेटा उदा हैला परे ता देहरे अलगा रॉ मटेरियल गोटे दिन मिक्सिंग करा जाय। अच्छा अच्छा गोटे जिनस ए जिनस तो आप बर्ष जाक करूँधरतु बर्षा सीजन में आपंकर जी क्वांटिटी पा दवा कथा से क्वांटिटी पा आप दौरान मेनुआली धरतु कौ समय बहुत जोर बर्षा है से समय कौन केमी कंट्रोल करती बर्षा हेले तो भल आमपाई आउट सुविधा कौन कि आराम से भिजिज बट आम जिते क्वांटिटी दिन सारा जी व्टरिंग कराए से 3-4 दिन तो बर्षा जदि भी बर्षा पानी रे नेचुरली बेसी किसी फरक पड़े नहीं जदि कंटिन्यू गोटे दिन बर्षा हाँ हुए तो सी किसी भिजिव जदि अध घंटे 15 मिनट जितकी बर्षा से किसी भी नुहे कहीं आम एक मोटा जो 1.5 इंच पानी दि जाए प्रत्येक दिन मानते 3-4 दिन मानते भावतु के नौ थो पूरा उदा हाँपाई तो भितर जब बर्षा हो गला आड अन् गोटे आ तो सेटा लाभ हम पचे किसी क्षति ना क्षति ना मिक्सिंग दिन है मिक्सिंग दिन भी आम वाटरिंग करूँ तो किसी असुविधा ना निश्चित लाभ हम। अच्छा तेज वर्ष जाक आम प्रोसेस कर पारा। अच्छा तापर प्रोसेस टी कौन धरतु आम गोलु गोटे जिनस गोलु गोलैदेला आम ये आखिलु तापर प्रोसेस कौन रही मिक्सिंग आम फेज वन बंकर तो या देहरे आमर सब मोटर लगी पछपटे एयर ब्लोअर लगी मोटर लगी जो थे कि आम एटी सब होल ताकु एयरेसन कराइप तो ताहर जो एमोनियाटा रिलीज हुए एमोनियाटा को बाहरी जाए बैड बैक्टेरिया जाक मरवाई आम कौन करूँ टेम्परेचर 80-70-80 degrees पर्यटन नहीं जाऊ जो थे कि बैड बैक्टेरिया सब मरी जाती ताहर प्रोसेस गुड बैक्टेरिया मानने हाँपाई अमाइसिलियम रन हाँपाई धीरे धीरे बना जाए से टाइप रो। अच्छा ये एरियासन दे सी तो तल मानते धरतु आप कंक्रीट रे प्रत्येक जगह गोटे गोटे हल अच्छी एरियासन आप दौरान एरियासन दे तो सी आप मानते जी कंपोस्ट पड़ थी सी तो थंडा हम हाँ
गरम केमती ताकु करांती पुनी नै फास्ट जेतोले गरम माने से ऑटोमेटिक जेहेतु नाइट्रोजन टाइड मिसुची चिकन मेन्योटा से ताकु पचाय तो से ऑटोमेटिकली अमोनिया रहिला माने से हीट अप हुए से निजे ही निजे को माने ये करे तो हम हां जेमिति आमे माने नडा यूज करूछु आमे जो पाळ छतु चासो नै से किछ गोटे थरो सडीबा स्टार्ट करला बळ से हीट जनरेट करे सिमिलर ये भी ठीक सेमती हां हमर इटसेल्फ नडा जेतोले आमे पानी भी वाटरिंग करू सेतोले भी से हीट अप हवा स्टार्ट हो जाय खाली नडा अब मैन्यूर मिसला परे तो से आहुरी अधिक हिट ऑफ नाइट्रोजन पे हां तबे ये होची प्रथम फेज जोडा की आपण ताकू एरिएशन देले केते दिन पर्यंत ए चेंबर रहे एठी हमरो प्रत्येक चेंबर ए दीटा जो अछि याधेरे दुई दुई दिन लेखा आठ दिन रहे माने चारटा पल्टी आमे नउ एठी दुई दिन रहला परे ताकू फुनी एठी के आसे तो पहले से मिक्सिंग करा जाय की जेसीबी रे ताकू एपोडे आनी की ढळा जाय फुनी एपोडे भी सेम सिमिलर प्रोसीजर रहै छि तो तापर फुनी एठी दुई दिन रहे एमते की चारटा पल्टी आमे नउ माने आपण आठ दिन कहिले दुई दिन सेपोर्ट रहिबो पुनी ताको बाहर करिक पुनी अथरे मिक्स करा जाय नै सेट एठी मिक्सिंग हे जाय डायरेक्ट एठो आसे एठी पसि जाय अच्छा 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 एथरे मिक्स हे जाय एथरे 4 दिन एथरे 4 दिन हां 8 दिन रहिबो हां अच्छा ता पर जिंस होची आमे से चेंबर को नबा से चेंबर माने केमती तयारी हेची बा ता भितरे केमती कोन प्रोसेस हुए एटा होचे टनल कहंती एगु तो एटा बहुत माने याधरे चारटा छात पड़ी छि तो हमर अंडरग्राउंड भी अछि अंडरग्राउंड पर एटा गोटे जेसीबी चालिया पई गोटे 8 इंच रो प्लेटफार्म हे छि ताधरे भी सिमिलर होल हे कि सो पाइप लागि छि आ ऊपर एटा पूरा कंप्लीटली इन्सुलेटेड चेंबर टा तो याधरे माने इन्सुलेशन हे छि तळे इन्सुले साइड रे हमर फोम सब लागि छि थर्मोकोल इन्सुलेशन छात रे इन्सुलेशन हे छि गेट रे भी इन्सुलेशन हे छि तो ये पूरा एयर टाइट ही रहे 7 डेज पूरा याधरे एयर टाइट ही रहे पछरे हमर मोटर लागि छि 10 एचपी रो ब्लोअर याधरे कि हम फ्रेश एयर भी दो से जो एयर एसनटा ताधरे हुए मानिन जेंति अब माने सिंपलीफाई बुझेया पई गले हमर प्रेशर कुकर गोटे मटन धर आपण सिझुनी मटन ताकु सिझेया पई प्रेशर कुकर जेंति सिझाय बाहरला परे पूरा हे जाय सेही टाइप रो एठी हमर गुड बैक्टीरिया पई बेस्ट माने जेतले आमे कुबी एठी 60 डिग्री पर्यंत हीट अप निया जाय तो बैड बैक्टीरिया सब मरिकी गुड बैक्टीरिया जनरेट होंती एठी जो माने कि हमर माइसिलियम रन करिया पई तारो न्यूट्रिशन बनंती अच्छा एथरे पेकिंग केते समय को समय हेबो एवं स्पॉन केमती दिया जिवो एवं स्पॉन टा आपण कोठु आणती से बाबद मधे टिक कहि दियंत एटा हमर 7 दिन पर जेमती कहली 7 दिन पर आमे ताकु काढू माने धीरे धीरे कूल डाउन करू टेंपरेचर कूल डाउन कला पर ताकु आमे गेट खोला जाय गेट खोला देले पर जो दिन माने गेट खोला जाय आमे सेइ दिन ही ताकु स्पॉनिंग करि दो तार मॉइस्चर सब जदि प्रॉपर मेंटेन होइथबो ताले आमे स्पॉनिंग करि दो स्पॉन टा हमर आमे बेसिकली दिल्ली रु आणुचु हरियाणा रु आणुचु आ नियरेस्ट कलकत्ता रु भी आणुचु तागु को स्पॉनिंग यूनिट भी निजरो मोर करिवारो प्लान अछि एक्सटेंशन तो एबे पई हमें आणुचु बाहरु प्रोक्योर करचु जते बेले आपण कहउछन्ती कि चेंबर आमे खोलुचु सेते बेले आमे पैकिंग स्टार्ट करचु एवं सही समय आमे स्पॉनिंग कर दउछु अच्छा स्पॉनिंग टा कोन सहीथरे देइगिरी करचन्ती माने मैन्युअली दउछन्ती ना एका संगे मिसउछन्ती नै स्पॉनिंग हमर एज पर क्वांटिटी आमे 1% स्पॉन निया जाय धर 35 टन रो होची कंपोस्ट ताले 350 किलो स्पॉन आमे नउ तो जते बेले एटा कढा जाय ताकु मशीन रे आमे कोन करू या तो एठी जदि भलो पागो थिबो आमे एठी काढी कि रखू नले बंकर जदि खाली थिबो बंकर को 50% काढी कि ता धरे जेसीबी ताकु जते बेले काढी दिए कंपोस्ट ताकु ता धरे मैन्युअली स्पॉनिंग करा जाय तार बेलचारे बैग करि कि आमे भितर को भर्ती करू टिके समय पूर्व आपण कहले कि जो ये चेंबरटा गोटे प्रेसर कुकर भले काम करे तबे जते बेले आमे कबाट खोलुचु सेते बेले तो से जिंस गरम गरम हेकि थिबो माने से जो कंपोस्ट आपण कर गरम हेकि थिबो तो सही गरम थिबा अवस्था रे ताकु स्पॉनिंग करा जाय कि ठंडा हला पर्यंत आमे अपेक्षा करी करी नै जते बेले आमे खोलु जो सेते बेले को आमे ताकु कूल डाउन जेमती कहले पर कूल डाउन करि सरि थाउ माने ऑलरेडी 25 30 डिग्री पर्यंत टेंपरेचर को आनी सरि थाउ सेते बेले माने पीक टा आमे नौ 60 डिग्री पर्यंत बैक्टीरिया मारिया पई किंतु धीरे धीरे ताकु फ्रेश एयर जेमती पछरे डेडी डैम्पर लगा हाइछि पछपटे भी सेमती फ्रेश एयर डैम्पर अछि तो ता देहरु फ्रेश एयर दे के आमे ताकु कूल डाउन कर दे थाउ खोलिला बेले से ठंडा हे जाय थाय अच्छा तेबे निश्चित भाव दर्शक बंधु बहुत गुड़े लंबा प्रोसेस रोचे या परे आपण एठू पैकेट करी नहींक्री से चेम्बर दिखती हाँ ये स्पॉनिंग आमर 10 किलिया बैग अच्छी से 10-12 किलो रो कंपोस्ट गोटे बैग 10-12 किलो रो हुए स्पॉन मिसिकी ताकु आमे गाड़ी रे लोड करी सेठी नहीं कि भर्ती करू अच्छा सबुठ बड़ जिनस हूँ कंपोस्टिंग टा हाँ माने जदि आमे देखिया गोटे चाषर सबुठ मेजर पार्ट हूँ यहाँ बहुत कंपोस्ट बहुत मेजर कंपोस्ट जदि टिके भी एपट सेपट हो जाए ताले आपनकर पूरा बैच नष्ट होवार फेल आमे एमती कोउ जिनस को बेसी ध्यान दबा जा फल रे आमर माने जो स्पॉन पकेया पर्यंत से ठीक ठाक रहइबो बा आमर चाषरटा ठीक रहइबो कंपोस्टिंग रे कोउ पॉइंट टा एमती रहिछ कंपोस्टिंग रो माने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सबु पॉइंट गुडा होउछि माने सबु पॉइंट रे दैट इम्पोर्टेंट आपण मटेरियल भी मिक्सिंग परसेंटेज
परसेंटेज भितर आउ गोटे रहिला होची तार माने कंसंट्रेशन जमीक आम पोल्ट्री फार्म जो मेन्योरटा नौ से कनसेट्रेटेड अच्छी बहुत मानते डिफरेंट नर्माल फार्म मेन्योर जोटा से अलग इसी फार्म मेन्योर सी आगे कनसेट्रेटेड तेरे के तुषटा मिसे सी के अच्छी कि मेन्योर रेते क्वाटी अच्छी से डिपेड कैर से हिसाब से जोटा कि एक्सपीरियंस हिंसा एक्सपीरियंस करेंगे मेन्योरटा अधिक कनसेट्रेटेड अच्छी ताद एक्सटर्नाल क्लैमेट उपर भी डिपेड कैर जदि खरा दिन अच्छी से मेन्योर र माने परसेंटेजटा आम टे कम नौ जो 80% नवा कथा 60% नौ तो से भाया सिमिलरली सब जिनसे रहा ड्यूरींग द माने कंपोस्टिंग भी टेम्परेचरटा बहुत वाइटल जिनस प्रत्येक स्टेज में टेम्परेचर आम सेंसर लगी भितर तो प्रत्येक एपटे सेंसर मीटर अच्छी तीन टा सेंसर लगी तो से मानुआली टेम्परेचर नौ तो प्रत्येक स्टेज में शिफ्ट सिस्टम करके पे राति सारा भी टेम्परेचर नि तो टेम्परेचरटा बहुत इंपोर्टेंट जिनस तार निश्चित भाव में आप प्रत्येक माने जदि आम गोटे बड़ आकार किसी गोटे फार्म करूँ प्रत्येक पाद पकेया पूर्व आमको धैर्यर सह एवं स्टेबल हिसाब से आमको पाद पकेया रहिस डेफिनेटली एते गोटे जेहेतु गोटे बैच एक्चुअली गोटे बैच अप्रोक्सीमेटली आम 5-6 lakh टंका गोटे कंपोस्ट में यूज हुए गोटे बैच में तो किसी भी एपट सेपट हेले गोटे बैच नष्ट हो जोटा कि बोटे एकाथे लॉस हो जाए चिंगुड़ी चाष जमी हाइली सेंसिटिव एटा भी से टाइप गोटे बैच जब फेल हो टे भी एपट सेपट हम आप निश्चित भाव में दर्शक बंधु आपण मैंने भाई कथारू निश्चित भाव जापारी कि ये कते कष्ट जिनस प्रकृत कष्ट जदि कह आम जो समय जे जिनस को करना से आप कष्ट कि गोटे थर आप जिन करम को ओल्लैसे जिनस धीरे धीरे करी आपको सहज हो भाई आप गुड़ाए जिनस जनइले कंपोस्टिंग बाबद भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दर्शक बंधु आशा करूँ आज भिडियोटी आपको बटम मशरूम फार्म जो कंपोस्ट तैयारी हुए बाबद किसी नुआ जिस जानापी मिलती है जब भिडियोटी भल लगी भिडियोट को लाइक करूँ सांग सहित सेयर करूँ चैनल को सब्सक्राइब करने भूलो ना आज समय है पुणी देखा आउ एक सुंदर भिडियो सहित से जाए रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।